हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च तो ये वीडियो सेपोए फार्मा एग्ज़ाम के रिलेटेड रहने वाली है एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ फार्मास्यूटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें अराउंड मैंने हंड्रेड एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं एंड जो सेपोए फार्मा एग्ज़ाम का सिलेबस था उसमें जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर एम सी डिस्कस किए जा चुके हैं इस सीरीज़ में एंड से फार्मास्यूटिक्स के एम सी क्यू क्वेश्चन बचे हैं तो में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट जो भी कल के एग्ज़ाम के लिए अपियर होने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा तो फार्मास्यूटिक्स के एम सी क्यूज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है लिक्विड फॉर्म्स आर इनमें से कौन सी लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो ये सारी गार्गल्स लोशन एंड सिरप्स ये सारी ही लिक्विड डोजेज फॉर्म है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है सेमी सोलिड डोजेस इज तो इनमें से जो क्रीम्स है एंड ऑइंटमेंट्स हैं ये दोनों ही सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इज तो ऐसे फैक्टर्स जो कि साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं तो वो हैं स्टिकनेस हार्डनेस एंड मॉइस्चर कंटेंट ये तीनों ही फैक्टर्स जो है वो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन टाइप्स तो कैप्सूल्स किस टाइप में अवेलेबल होते हैं तो दो मेन टाइप्स के कैप्सूल होते हैं सॉफ्ट जेलिटिन कैप्सूल्स एंड हार्ड जेलिटिन कैप्सूल्स तो ऑप्शन सी दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रस्क्रिप्शन तो प्रस्क्रिप्शन की प्रिपरेशन में जो डायरेक्शन होती हैं फार्मासिस्ट के लिए उन्हें क्या कहा जाता है तो वो होती हैं सब्सक्रिप्शन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर यू एस पी नोम क्लेचर गाइडलाइंस लोशन इज तो यू एस पी नोम क्लेचर की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग सोल्यूशंस क्या होते हैं तो सोल्यूशंस सॉरी लोशंस जो हैं वो एक टाइप के इमल्शंस होती हैं ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटेप्सोल इज तो बिटैप्सोल क्या है बिटेप्सोल एक पोजिटरी बेस है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड फामाकोन मीन्स तो फार्माकोन का मीनिंग क्या होता है तो फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग ड्रग के लिए टर्म यूज़ की जाती है फार्माकोन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज एस्टैब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी किसकी लीडरशिप में एस्टेब्लिश की गई थी तो ये आर एन चोपड़ा की लीडरशिप में एस्टेब्लिश की गई थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया स्टार्टेड बी फार्म कोर्स इन इंडिया इज़ तो इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने इंडिया में बी फार्म कोर्स को स्टार्ट किया था तो वो यूनिवर्सिटी थी बी एच यू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल चेरी फ्लेवर इज मेड फ्राम तो आर्टिफिशियल चेरी फ्लेवर इनमें से किस इनग्रीडियंट की हेल्प से बनाया जाता है तो अलाइल वेजोय जो है वो यूज किया जाता है टू मेक द आर्टिफिशियल चेरी फ्लेवर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट एंटी माइक्रोवियल प्रिजर्वेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन तो इनमें से एंटी माइक्रोवियल प्रिजर्वेटिव चूज करना है हमें इन ऑप्शंस में से तो एंटी माइक्रोवियल प्रिजर्वेटिव है वेंस अल्कोनियम क्लोराइड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ तो रेनड्रॉप्स की स्फेरिकल शेप होती है सरफेस टेंशन की वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटिंग एजेंट हैज़ डैश एच एल वी वैल्यू तो एच एल वी स्केल के ऊपर बैटिंग एजेंट की वैल्यू कितनी होती है तो ये वैल्यू होती है सेवन टू नाइन के बीच में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लार्क फार्मूला वेट इज मैंशनड एज तो क्लार्क फार्मूला में वेट की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं तो क्लार्क फार्मूला जो कि चाइल्ड डोज के लिए यूज़ किया जाता है उसमें वेट जो है वो पाउंड्स में मेजर किया जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज अ डिराइड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर इनमें से कौन सी डिराइड प्रॉपर्टी है पाउडर की तो सरफेस एरियन पार्टिकल साइज़ ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं पाउडर की जबकि बल्क डिराइड प्रॉपर्टी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्स वर्क्स ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ इंटर पार्टिकुलेट एट्रीशन एंड इम्पैक्ट तो इनमें से कौन सी मिल जो है वो एट्रीशन एंड इम्पैक्ट दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है तो फ्लूड एनर्जी मिल जो है वो इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों पे काम करती है इसके अलावा वॉल मिल भी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री साइज ऑफ़ कैप्सूल विल हैव डैश एम एल कैपेसिटी तो साइज थ्री का जो कैप्सूल होता है उसमें कितनी एम एल कैपेसिटी होती है तो उसमें पॉइंट थ्री जीरो एम एल कैपेसिटी होती है थ्री साइज़ कैप्सूल की नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज़ टू डिस्क्राइब द नॉइज़ विटनी इक्वेशन किस लिए किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है ये डिजोल्यूशन रेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है ऑप्शन डी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट इनमें से कौन सा एक टैबलेट का टाइप नहीं है तो लोजेंजेस एफरविशन टैबलेट्स एंड टैबलेट राइटूरेट ये तीनों ही टैबलेट्स के टाइप हैं जबकि जो पेसरीज है वो सपोजिट्रीज का एक टाइप है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैबलेट डिफेक्ट पिकिंग मीन्स तो टैबलेट डिफेक्ट में पिकिंग क्या होता है तो पिकिंग होता है अगर मटेरियल जो है टैबलेट का वो स्टिप स्टिक हो जाता है या फिर टैबलेट सरफेस से रिमूव हो जाता है पंच फेस के द्वारा तो उसे कहा जाता है पिकिंग तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वाटरफॉर इंजेक्शन इज तो वाटर वाटरफॉर इंजेक्शन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है इसमें कोई भी एंटी माइक्रोवियल एजेंट नहीं होता है एंड इसका पीएच जो है वो फोर पॉइंट फाइव टू सेवन पॉइंट फाइव रहता है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप टू ग्लास टाइप टू ग्लास ग्लासेड लाइम ग्लास होते हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन्स अल्कोनियम क्लोराइड इज यूज इन आई आईड्रोप्स इन द कंसेंट्रेशन ऑफ वेंस अल्कोनियम क्लोराइड जो कि एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है तो ये आई ड्रॉप्स में कितने कंसनट्रेशन में यूज़ किया जाता है तो ये ज़ीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कंसनट्रेशन में से यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेस इन इमल्शन इज कॉल्ड तो इमल्शन में अगर दो फेजेस कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है क्रैकिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोजोल कंटेनर सिस्टम तो इनमें से कौन सा एरोजोल कंटेनर सिस्टम का पार्ट नहीं है तो वा वैड जो है वो एरोजोल कंटेनर सिस्टम का पार्ट नहीं है बाकी एक्चुएटर वॉल एंड माउंटिंग ये तीनों ही एरोजोल सिस्टम का पार्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टैबलेट तो को टैबलेट में ऐड करने का मेन रीज़न क्या होता है तो जो भी टैबलेट है उसके वर्क को इनक्रीज करने के लिए डायलिय जो है वो ऐड किए जाते हैं टैबलेट्स में तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी ऑफ साइज वन नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल तो जो साइज़ वन नंबर का हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसकी अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी कितनी होती है एम में तो इसकी कैपेसिटी होती है थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी कहीं कहीं पे थ्री फिफ्टी भी देखने को मिलेगा वट इस तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज़न मेथड इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ तो फ्यूजन मेथड किसकी किस डोजर फॉर्म की प्रेपरेशन के लिए यूज किया जाता है तो ये ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ अगर कोई पाउडर सीव नंबर फोर्टी फोर से कंप्लीटली पास होता है एंड नॉट मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर एटी फाइव एंड सीव नंबर एटी फाइव से फोर्टी परसेंट से कम जो हैं वो पार्टिकल्स पास होते हैं तो उस पाउडर को कौन से ग्रेड में कंसीडर किया जाएगा तो उसे मॉडरेटली फाइन पाउडर कैटेगरी में आएगा वो पाउडर जो कि फोर्टी फोर सी नंबर से कम्प्लीटली पास होगा लेकिन फोर्टी परसेंट से कम पाउडर जो है पार्टिकल्स जो हैं वो एटी फाइव नंबर सीव से पास होंगे देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज इन सस्पेंशन इज तो सस्पेंशन में यूज़ होने वाला फ्लोकुलेटिंग एजेंट कौन सा है तो ये है सोडियम लोरेल सल्फेट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडर्स आर फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल्स इंटेंडेड फॉर तो पाउडर्स को कैसे इंटेंट किया जाता है तो इन्हें टॉपिकल यूज के लिए इंटरनल यूज के लिए एंड एक्सटर्नल यूज तीनों ही टाइप से इनको यूज किया जाता है तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म मैन मीन्स तो मैने का मैने एक लैटिन टर्म है इसका मीनिंग होता है इन द मॉर्निंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉल मे लेज तो मिल का वर्किंग प्रिंसिपल है इंपैक्ट एंड एट्रेशन ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टीस्पून फुल तो में कितने एम होते हैं तो वन टीस्पून फुल में फोर एम होते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ केटाइनी इमल्सिफाइंग एजेंट इज तो केटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जाम्पल है सेट्रीमाइड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑप्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स तो इनमें से कौन सा एक नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि वेजिटेबल सोर्स से ऑप्टेन होता है तो वो है अगार ऑप्शन ए इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर शीट्स मेड ऑफ़ सेलुलोस आर सेलुलोस से बनने वाली फ़िल्टर कहा जाता है तो वो होती हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेड टैबलेट्स आर डिज़ाइन टू रिलीज मेडिका मैंट एन तो कोटेड टैबलेट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो मेडिकामेंट को रिलीज करें स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आई पी मीन्स आई पी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट लिखी है स्टोरेज कंडीशन के लिए डेट इज स्टोर इन कूल प्लेस तो उसमें क्या टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है तो इसमें जो टेम्परेचर है वो है स्टोर बिटवीन एट टू 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स आर तो क्रीम्स क्या होती हैं तो क्रीम्स एक टाइप की इमल्शंस होती हैं तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगीज आर इंसर्टेड इन तो बोगीज को किस बॉडी कैविटी के थ्रू इंसर्ट किया जाता है तो इन्हें यूरेथ्रल रूट से या फिर नेसल रूट से इंसर्ट किया जाता है बॉडी में तो यहाँ पे नेशनल रूट दिया हुआ है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को लाइफर दैट इज फ्रीज ड्रायर की हेल्प से ड्राई किया जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन इज तो कैलामाइन होता है बेसिक जिंक ऑक्साइड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ बिटवीन टू नाइन इज यूज एज तो अगर एच एल वी वैल्यू किसी सर्फेक्टेंट की सात से नौ के बीच में है तो उसे कंसीडर किया जाएगा एज अ बैटिंग एजेंट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ अ टैबलेट इज नोन एज अगर टैबलेट टॉप और बॉटम से पार्शली या फिर कंप्लीटली रिमूव हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कैपिंग कहा जाता है ये एक टैबलेट का डिफेक्ट है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डेंडर ड्रग तो इनमें से कौन सा एक एंटी डेंड्रफ ड्रग है तो एंटी डेंड्रफ ड्रग है सेलेनियम सल्फाइड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो अल्कोहल ओरल यूज कंटेनिंग शुगर सेज तो हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन जो कि ओरली यूज किए जाते हैं और तो उनमें शुगर होती है तो बोलते हैं एलेक्जर्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिंग एंड कोलेसेंस में अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ तो क्रीमिंग एंड कोलेसेंस किसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं तो ये इमल्शंस की स्टेबिलिटी को इफेक्ट अफेक्ट करते हैं तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीसी ड्रग्स मींस तो ओटीसी ड्रग्स का क्या मीनिंग होता है तो ओ मतलब होता है ओवर तो ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि पेशेंट डिमांड्स पे डिस्पेंस किए जा सकते हैं तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगजिलरी लेबल्स डू नॉट कंटेन एन इन्फॉर्मेशन लाइक तो ऑगजिलरी लेबल्स में किस टाइप की इन्फॉर्मेशन इनमें से हमें देखने को नहीं मिलेगी तो शेक वेल well ये ऑगजिलरी लेबल्स में हमें देखने को मिलेगी कीफ इन रेफ्रिजरेटर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली ये दोनों स्टेटमेंट भी हमें ऑगजिलरी लेबल्स में देखने को मिलेंगी लेकिन टेक वन टैबलेट फोर टाइम्स डे फॉर डेज ये स्टेटमेंट हमें एज एन ऑक्सिलरी लेवल नहीं देखने को मिलेगी तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिप ट्यूब इन एरोजोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ एरोजोल कंटेनर में डिप ट्यूब किससे बनी होती है तो यह पोलिथाइलिन या फिर पोलिप्रोपाइलिन से बनी होती है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कोटिंग इज डन टू सब कोटिंग करने का मेन रीजन क्या होता है तो so, कोटिंग के डिफरेंट स्टेप होते हैं उसमें से एक स्टेप है सब कोटिंग तो सब कोटिंग का जो मेन रीजन है इसे so, करने का वो एजेस को राउंड करना एंड टेबलेट को बल्क टेबलेट के बल्क को इंक्रीज करना ये दो मेन रीजंस की वजह से सब कोटिंग की जाती है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म गिव्स रैपिड ड्रग वायोवेलेबिलिटी तो कौन सी डोजेज फॉर्म जो है वो रेपिडली बायोवेलेबिलिटी देगी ड्रग की बॉडी में तो ऐसी फॉर्मलेशन जो कि ऑलरेडी जिसमें ड्रग जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसमें हमें रैपिड ड्रग वायोलबिलिटी देखने को मिलेगी तो ऑप्शन डी देट इज़ सोल्यूशन सोल्यूशन डोजेज फॉर्म में हमें ये रिजल्ट मिलेगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज एट पी तो टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितने पी पे होगा तो ये होगा पी एच नाइन पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है वहीं अगर यहाँ पे टाइप बी के लिए पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा फाइव फोर पॉइंट फाइव पी एच नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स से हमें पाउडर्स की फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में पता लगता है एंड पाउडर्स की कोहेसिवनेस के बारे में भी आइडिया लगता है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ आइनिक सरफेक्टेंट ज्इटर आइनिक सरफेक्टेंट का एग्जाम्पल है लेसिथिन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज इन्वर्जन टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड फेज इन्वर्जन टेम्परेचर को एच एल बी टेम्परेचर भी कहा जाता है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक बिस्कोसिटी इज द एब्सोल्यूट बिस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डैश एट स्पेसिफिक टेम्परेचर तो काइनेमेटिक बिस्कोसिटी सिंपली बिस्कॉसिटी ही होती है लेकिन इंडियन फार्माकोपिया में इसे जो ऑफिशियली एक्सप्रेस किया जाता है वो विस्कोसिटी को एज एन काइनेमेटिक विस्कोसिटी के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है तो इसका जो सिंपल फार्मूला होता है उसमें एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसका फार्मूला रहता है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा इसमें यूनिट पे क्वेश्चन आता है यूनिट हो जाएगी इसकी स्टॉक्स या फिर सेंटी स्टॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है फ्रीज ड्राइंग यानी कि लाइफलाइजेशन तो इसमें ये सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है सब्लिमेशन ऑफ वाटर फ्रॉम आइस फेज टू गैस फेज सॉलिड से सीधा डायरेक्ट गैसेज फेज में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन होता है विदाउट अंडर गोइंग टू लिक्विड फेज तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ वॉल मिल द वॉल चार्ज दैट इज़ परसेंटेज ऑफ ऑफ मिल फिल्ड बाय द वॉल्स शुड बी तो वॉल मिल की एफिशिएंटली वर्किंग के लिए उसमें वॉल मिल में कितना परसेंट वॉल्यूम जो है वो वॉल से फिल होना चाहिए तो अराउंड थर्टी टू फिफ्टी परसेंट जो एरिया है वॉल्यूम है वो आपकी बॉल से ही फिल होनी चाहिए ताकि इफेक्टिवली इफेक्टिव रिजल्ट हमें वॉल मिल में साइज रिडक्शन के लिए देखने को मिले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैरिफिकेशन इज अ टर्म यूज वैन सॉलिड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज क्लैरिफिकेशन टर्म तब यूज की जाती है जब जो कोई भी प्रोडक्ट है उसमें सॉलिड कंटेंट जो है वो एक परसेंट से कम होता है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन इज डज नॉट एक्सीड वन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर द ऑनफेस ऑफ द टैबलेट टैबलेट इज कॉल्ड तो के पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कलर का तो उसे कहा जाएगा मॉडलिंग ऑप्शन डीज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली वीगम इज तो केमिकली वीगम जो है वो होता है मैग्नीशियम अलुमिनियो सिलीकेट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय पैलेट्स की फिलिंग कैप्सूल्स में किसकी हेल्प से की जाती है तो यह की जाती है रोटोफिल की हेल्प से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए स्टैंड्स फॉर एन डी ए होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया के लिए इंडियन फार्माकोपिया में इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो अनऑफिशियल है अनऑफिशियल है या ऑफिशियल नहीं है तो हार्डनेस टेस्ट जो है टेबलेट के लिए वो ऑफिशियल नहीं है इंडियन फार्माकोपिया में तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आई पी परसेंटेज ऑफ सुक्रोज़ इन सिंपल सिरप इज तो सिंपल सिरप में सुक्रोज़ की परसेंटेज अकॉर्डिंग टू आईपी कितनी होनी चाहिए तो इसमें सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट वेट बाई वेट कंसेंट्रेशन जो है परसेंटेज सुक्रोज़ की होनी चाहिए सिंपल सिरप में अकॉर्डिंग टू आईपी इसमें यूनिट्स याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैसे यहाँ पे वेट वाई वॉल्यूम है वेट वाई वेट है तो वेट वाई वेट जो है वो इसमें यूनिट्स होती हैं सुक्रोस परसेंटेज की नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड प्लेस एज पर आईपी इंडिकेट्स स्टोरेज एट तो कोल्ड प्लेस में जो स्टोरेज कंडीशन टेम्परेचर होता है वो दो से आठ डिग्री सेल्सियस तक होता है फॉर कोल्ड प्लेस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक तो कौन सा टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज किया जाता है मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक के लिए तो ये है वेस्ल स्टीरियोथर्मोफाइलस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमेक्टेंट मीन्स तो ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं तो ह्यूमेक्टेंट जो है वो यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द क्रीम क्रीम की ड्राइंग से प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमेक्टेंट्स का यूज किया जाता है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज फॉर विटामिन बी विटामिन तो बी की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज किया जाता है तो विटामिन बी की स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेविंग से भी की जा सकती है हीटिंग से भी एंड फिल्ट्रेशन से भी तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलेटिन इज यूज्ड एज तो जेलेटिन यूज किया जाता है एज एन एनकेप्सुलेटिंग एजेंट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर टेक टेस्ट इज परफॉर्मड ऑन तो किस टाइप पे के ग्लास पे वाटर टेक टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है तो टाइप टू पे वाटर टेक जाता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी डोज इंजेक्शन आर पैक्ड इन मल्टी डोज इंजेक्शन को किसमें पैक किया जाता है तो मल्टी डोज इंजेक्शन को पैक किया जाता है वाइल्स में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर द लीक टेस्ट लीक टेस्ट के लिए कौन सी डाई यूज की जाती है तो लीक टेस्ट के लिए मिथाइलिन ब्लू डाई जो है वो यूज की जाती है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट एनिमल यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग इज तो पायरोजन टेस्टिंग में टेस्ट एनिमल कौन सा यूज किया जाता है तो पायरोजन टेस्टिंग में जो टेस्ट एनिमल यूज किया जाता है वो एनिमल है ऑप्शन सी दैट इज रैबिट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर टैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई दल्कलिनिटी इन वाटर टेक टेस्ट किसमें यूज़ किया जाता है तो ये टाइप टू ग्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास हंड्रेड एरिया मीन्स क्लास हंड्रेड एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो क्लास हंड्रेड एरिया जो है वो होता है ग्रेड ए एरिया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेप्टिक आर एसेप्टिक्स क्या होती हैं एसेप्टिक एरिया यहाँ पे होगा एसेप्टिक एरिया एसेप्टिक एरिया या फिर स्टेराइल एरिया तो ये किस क्लास में आते हैं तो एसेप्टिक एरिया आपका आता है क्लास हंड्रेड क्लास में क्लास हंड्रेड एरिया में तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ क्लास हंड्रेड एरिया इज क्लास हंड्रेड एरिया का मीनिंग क्या होता है तो क्लास हंड्रेड एरिया का मतलब होता है जो पार्टिकल साइज है ईयर में वो हंड्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर क्यूबिक फुट फुट पे ऑफ जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोन साइज या फिर उससे लार्जर साइज पे तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे वैल्यूज में चेंज है इस ऑप्शन में यहाँ पे यूनिट में चेंज है बाकी दोनों क्यूबिक फुट एंड फुट में थे एंड जो फोर्थ वाला ऑप्शन है इसमें भी यहाँ पे क्यूबिक मीटर है एंड माइक्रोन साइज दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ग्रेन इज इक्वल टू एक ग्रेन कितने एम के इक्वल होता है या कितने ग्राम के इक्वल होता है तो एक ग्रेन साठ एम के बराबर होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड क्रीम्स इज ऑल्सो नोन एज तो कोल्ड क्रीम्स को और क्या कहा जाता है मीन्स इसका अनदर नेम क्या है तो कोल्ड क्रीम्स को स्किन मॉइस्चराइजर भी कहा जाता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म फ्रॉम लिपस्टिक लिपस्टिक के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है तो so, लिपस्टिक के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो है ब्रेकिंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोल्डिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन लिपस्टिक लिपस्टिक में मोल्डिंग रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको नहीं आती हैं ठीक है इनमें से कौन सा एक मोल्डिंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है लिपस्टिक की तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्वेटिंग ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स रूल इज यंग्स रूल या यंग्स फार्मूला तो इसमें चाइल्ड डोज कैलकुलेट की जाती है एंड उसका जो करेक्ट फार्मूला है वो है एज डिवाइडेड बाय एज प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई अडल्ट डोज होता है इसमें देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विच इज तो पेस्ट एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है कंसेंट्रेटेड सस्पेंशन की ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है

एंड इनको क्लासीफाई किया जाता है एज वाटर सोलिवल बेस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोजोल इज द रिवर्स ऑफ तो एरोजोल किसका रिवर्स है तो ये लिक्विड फॉर्म का रिवर्स है एरोजोल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्टिट्यूशन ऑफ विटाइन इज तो की कंस्टिट्यूशन क्या होती है तो इसमें टेन परसेंट आयोडिन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेंटेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन द नेल पॉलिशेस तो मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट नेल पॉलिश में कौन सा होता है तो ये होता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेपिलेटरीज आर सब्सटेंसेस विच तो डेपिलेटरीज किस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं तो डेपिलेटरीज जो हैं वो रिमूव करते हैं हेयर्स को विदाउट रिमूविंग स्किन स्किन को बिना रिमूव किए जो यूज़ किया जाता है हेयर रिमूव करने के लिए बोलते हैं डेपिलेटरीज ये डेपिलेटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ईल्ड वैल्यू इज इंडिकेटिव ऑफ तो ईल्ड वैल्यू किसका इंडिकेटर है तो ईल्ड वैल्यू से हमें पता लगता है फ्लोकुलेशन की फोर्स तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो जेल इज अ टाइप ऑफ तो जीरो जेल का क्या टाइप है तो जीरो जेल एक जलीज होती हैं ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिंकेज ऑफ जेल वाई एक्सट्रूज़न ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड तो अगर किसी जेल की श्रिंकेज हो जाती है किसी दूसरे लिक्विड की एंट्री के बाद तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक पार्टिकल साइज ऑफ तो इनमें से कौन सी टेक्निक पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है तो इसमें बो टेक्निक है डीके ये दोनों ही आंसर सही हैं तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीज यूज फॉर ईयर इन्फेक्शन आर कॉल्ड तो सपोजिट्रीज जो कि ईयर इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दे नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड क्रीम्स आर तो कोल्ड क्रीम्स होती हैं वाटर इन ऑयल टाइप बोरेक्स क्रीम्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इनकंपैटिबिलिटी क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किस टाइप की इनकंपैटिबिलिटी का एक एग्जांपल है तो ये डिले टाइप की इनकंपैटिबिलिटी का एग्जांपल है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इनकंपैटिबिलिटी तो लिक्विड इन लिक्विफिकेशन जो है वो एग्जांपल है डिलेड टाइप इनकम्पेटिबिलिटी का तो ये डिलेड नहीं है इमीडिएट टाइप ऑफ इनकमिटी का एग्जाम्पल है लिक्विफिकेशन डिलेड है क्रिस्टलाइजेशन अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑयल इन वाटर टाइप इमर्शन क्रीमिंग अकर्स इन डैश डायरेक्शन तो ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन में जो क्रीमिंग है वो किस डायरेक्शन में होती है तो ये होती है अब डायरेक्शन में क्रीमिंग ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यहां पे इस वीडियो के सभी क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिए हैं तो इसके अलावा कल ट्वेंटी सिक्स को आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को वंस अच्छे से पेपर दीजिए एंड सिलेक्शन पाइए फिर उसके बाद जो भी रनिंग वगैरह होगी उसकी तैयारी कीजिए सो so, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच